हेलो दोस्तों, नमस्कार करते हैं एक नए दिन के साथ नई वीडियो की शुरुआत। और आज की इस वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे के साथ। और आज हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। कहाँ जा रहे हैं वो तो आपको आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा। यहाँ पे ये भी तैयार हो चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए। कहाँ जा रहे हैं वो तो पता चल ही जाएगा। हाँ, तो अभी हम रेडी हो चुके हैं और निकलते हैं अपने आज के नए सफर की ओर। निकल गई है, देखते हैं हमें गाड़ी मिलती है या नहीं। हाँ, तो वेट कीजिए अभी। हाँ, और हम ज़्यादातर जब भी साथ में जाते हैं ना, उस दिन हमें गाड़ी नहीं मिलती है ना। नोटिस किया आपने? मतलब मिलती है बट काफ़ी समय बाद, बहुत ही ज़्यादा लेट। और यहाँ पर सासू जी भी जाने लग गए हैं खेत में, उनको हमने घर में ही छोड़ दिया है। यानी कि वो जा रहे हैं अभी घास लेने के लिए। और हम भी मतलब घूमने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम किसी काम के पर्पस से जा रहे हैं, साथ में घूमना भी हो जाएगा इसलिए। और मौसम देखिए दोस्तों, ऐसे लग रहा है हम बादलों के ऊपर खड़े हुए होंगे। मतलब ये बादल तो नहीं है, ये है कोहरा। और अभी हमें जाना है उस वाली रोड में, यानी कि देवप्रयाग की ओर। यहाँ पर सासू जी भी आ गए हैं। तो अभी हम लोग रोड में पहुँच चुके हैं और अभी देखते हैं, गाड़ी भी नहीं मिल रही है। अभी ये जाएगी शायद से, देखते हैं क्या होता है, किस में जाते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जिस जगह मैंने कहा था। और हम लोग आ रखे हैं देवप्रयाग में घूमने के लिए नहीं, हमें थोड़ा सा बैंक का काम था इसलिए। और इनको आ रही है नींद। ये रहा पुल को पार करके जाना है हमने दूसरी साइड, और काफ़ी भीड़ लगी हुई है आज यहाँ। तो दोस्तों, अभी हम ना पुल को क्रॉस कर पहुंच चुके हैं बैंक की ओर, और थोड़ा सा और आगे पे जाना है। अभी हमने नीचे गंगा जी काफ़ी मैली हो रखी है आज भी, ऊपर से दिखाती हूँ मैं एक बार आपको। तो यहाँ पे रहा जहाँ पे लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, बट अभी हम लोग तो नहीं जा रहे, काफ़ी लोग गए हुए हैं अभी स्नान करने के लिए। वैसे आज ज़्यादा भीड़ नहीं है उस हिसाब से। और अभी हमने ना इस तरफ जाना है, यहाँ से काफ़ी ऊपर पर है बैंक, तो उधर ही चलते हैं हम लोग। दोस्तों, दिन के 12 बज चुके हैं और अभी हम लोग देवप्रयाग में ही हैं। इतनी हालत ख़राब हो रही है गर्मी से, क्या ही बताऊं। ऊपर से गाड़ियों का शोर शराबा इतनी। यहाँ मैं जब भी आती हूँ मेरी तबीयत ख़राब होने लग जाती है, क्योंकि मेरे से बिल्कुल भी गर्मी सहन नहीं होती है। और यहाँ कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो रही है, इसलिए मैंने अभी तक कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाया। हम बैंक में गए, काफ़ी टाइम लगा वहाँ पर और काम भी नहीं हुआ हमारा। बैंक से सीधे हम लोग अभी रोड में आ गए हैं, यहाँ से गाड़ी में जाएंगे। और इतनी ज़्यादा धूप हो रही है, मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। जब मैं पहली बार भी इनके साथ आई थी, उस दिन भी मेरी हालत ख़राब हो गई थी। उस दिन मेरे आंखों के आगे जैसे धुंध लगता है और कान एकदम सुन हो गए थे। और आज तो मेरे को सर ऐसा लग रहा है जैसे फट रहा होगा। बट अभी घर चलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है इधर। और इधर से मैं आप लोगों को देवप्रयाग के दर्शन करा देती हूँ पूरे। तो यहाँ से देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है देवप्रयाग। तो दोस्तों, अभी हम बैठ रखे हैं देवप्रयाग के इस सुंदर नज़ारे में, आपको नज़ारे दिखाते हैं। निकल दी है, ये भागीरथी नदी है और उधर से आ रही है अलकनंदा। यहाँ पे इन दोनों का संगम होता है, यहाँ से गंगा नदी शुरू होती है। तो दोस्तों, वैसे देवप्रयाग काफ़ी अच्छी जगह है, घूमने लायक है, लेकिन क्या करें, आजकल इधर थोड़ी गर्मी हो रही है, उमस टाइप का हो रहा है। इधर नदी के किनारे हो गया ना, वैसे ये इधर का मौसम दिसंबर जनवरी फरवरी इस टाइम बहुत अच्छा मौसम रहता है इधर का। आइए, कभी कभी घूमने आओगे तो दिसंबर जनवरी में आना, उस टाइम मौसम अच्छा रहता है इधर का। इस टाइम नदी भी बढ़ रखी है, तो इस वजह से संगम के पास नहीं जा पाए, थोड़ा पानी में उतार चढ़ाव आता रहता है, तो न जाने क्या हो जाए। नमस्कार दोस्तों, करते हैं आज नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत। आज की ब्लॉग एकदम कैमरे पे देखो। नमस्कार दोस्तों, करते हैं आज नए दिन के साथ नए वीडियो की शुरुआत। आज की वीडियो की शुरुआत दिन के 3 बजे से हो रही है। तो दोस्तों, आप लोगों ने मुझे इससे पहले वाले वीडियो में काफ़ी अच्छे सपोर्ट किया, अच्छे कमेंट किए, इसलिए
मैंने मतलब धीरे धीरे वीडियो में आने की प्रयास कर रहा हूँ मैं, और बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे बोलता नहीं मैं ज़्यादातर। और आज थोड़ी तन्नू की तबीयत ख़राब है, उसको थोड़ी बुखार आ गई, तो इस कारण वो वीडियो में नहीं आ पा रही। तो मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मतलब उसको मतलब पड्डी का जो वीडियो डालती है वो शेड्यूल उसका बना रहे। बाकी वीडियो वो खुद डालेगी, मेरे को वीडियो डालने नहीं आती। मैं सिर्फ मतलब एक वीडियो बना के दे दूंगा उसको कि हाँ भाई ये मैंने वीडियो बना रखी है, ले डाल ले। अब तो उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रखी है, तो आपने देखा होगा 2 दिन तक उसकी वीडियो नहीं आई। तो मतलब वो थोड़ी बोल रही थी कि वीडियो नहीं है, मैंने वीडियो भी नहीं डाली आज, नहीं डाली। तो मैंने कहा ठीक है मैं कोशिश करूँगा। तो मैंने आज कल एक वीडियो बनाई, तो फिर वो अभी थोड़ी मतलब ठीक है, पहले से थोड़ी ठीक है उसकी तबीयत। तो बोल रही थी कि आज भी आप बना दो, कल से फिर मैं बना दूंगा। मैंने कहा ठीक है बना दूंगा, क्या है, मैंने तो थोड़ी बहुत बोलना है, बाकी जोड़ने जोड़ने का काम तो तेरा है। और यहाँ पे देख सकते हो आप तन्नू की स्माइल, जब से मैंने मतलब ब्लॉगिंग शुरू की तो तन्नू की स्माइल देख सकते हो आप, ये देखो। तो दोस्तों मेरी ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी प्रयाग जाने के बाद। आप सभी ने देखा होगा कि वहाँ से ही मेरे को पता नहीं क्या हुआ है ना। पिछली बार भी जब हम शादी के बाद पहली बार देव प्रयाग गए थे उस टाइम पे भी मेरी तबीयत ऐसी ख़राब हुई थी है ना। और 2 दिन तक मैं अभी 2 दिन बाद फिर से मैंने एक ब्लॉग जो इन्होंने पहले बनाया था वो भी डाला। आज बड़ी मुश्किल से अभी दवाई खाकर अभी एडिट करा है। और वहाँ से आई मैं कल, बस लेट गई थी उसके बाद तो मेरी हालत ही ख़राब हो गई थी। और अभी मैंने जिम्मेदारी इनको दे रखी है ब्लॉगिंग करने की, और उम्मीद करूँगी आपको इनके ब्लॉग अच्छे लगेंगे। और बड़ी मुश्किल से आज का ब्लॉग भी एडिट हुआ जो आपने कल देख लिया होगा, और देखते हैं ये ब्लॉग भी पूरा बनेगा कि नहीं। बनाओगे पूरा? हाँ पूरा बनूंगा। पता नहीं दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रहा हमारे भाग्य में क्या लिखा है। जब देखो मैं बीमारी होती रहती हूँ है ना, आइए भी परेशान हो गए मेरे साथ है ना। हुए ना। जरा हाँ बोल के दिखाना तब बता दी। और जैसे कोई भी हस्बैंड वाइफ होते हैं, किसी के भी हस्बैंड ऐसे नहीं बोल सकते चाहे वो कितना भी परेशान हो जाए है ना। नहीं बोल सकते? तुम बोल के दिखाना जरा। मुझे ना इनकी कमजोरी पता है, इनको बहुत ज्यादा ना गुदगुदी लगती है अगर ऐसे इनके गले में ऐसे ऐसे करो तो। और अभी फ़ोन मैं इनके पास देती हूँ क्योंकि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो पा रही है। और मेरे लिए भी आप लोगों को प्रे करना कि मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ और कल से खुद से ही ब्लॉगिंग करूँ। अब वैसे बताओ क्या हो रहा है, मैं दवाई खा रही हूँ फिर बुखार ठीक हो जा रहा है, उसके बाद फिर से बुखार आ जा रहा है जैसे 1-2 घंटे बाद है ना। और पहले इन्होंने मेरी खूब सेवा पानी की 2-3 दिन है ना अपने दोस्तों। चलो एक बात तो बात। आई मीन टू से बताऊंगी कौन है। तो अभी इनके पास फोन दे देती हूँ, आगे की ब्लॉगिंग ये कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों बाहर लगी हुई है बारिश, सुबह से ही बारिश लगी हुई है, और इस बारिश में हम ले रहे हैं चाय का आनंद। आहा, तो दोस्तों आज बारिश लगी हुई है तो इस कारण ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा हूँ। तो कल मिलेंगे नई दिन के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।